उल्हासनगर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां बन रही घर घर में कोरोना स्वैब टेस्ट किट के गलत तरीके से बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आइए जानते हैं इस पर क्या है कहना उल्हासनगर के डीसीपी प्रशांत मोहिते और उल्हासनगर महानगर पालिका के पूर्व आरोग्य अधिकारी डॉक्टर राजा रिजवानी का। यहाँ पर घर घर में जो कोरोना स्वैब टेस्ट की जो स्टिक बनाई जा रही थी, आज यहाँ पर एफडीआई ने और महानगर पालिका द्वारा छापा मारा है। तो क्या है यहाँ पर, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और क्या कहेंगे इस विषय? भैया, ये जो है कल से इंसिडेंस हमको जैसे मालूम पड़ा थ्रू सोर्सेस, थ्रू चैनल से, तो हमने कल भी यहाँ पे आए थे, आज भी है। हमारे साथ एफडीए के लोग भी हैं, हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट है और हमारे सर्च चालू है। हमको जो उन्होंने मटेरियल पैक किया था उनकी भी एक स्टिक है। अभी ये सब पूरा काम इलीगल चल रहा था, लेट अस सी। ये जिसका जो ऑफिस है या जिसने ऑर्डर दिया है वो तो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जैसे पकड़ेगा उनको पुलिस अरेस्ट करेगी, इसको बाकी की चीज़ें मालूम पड़ेगी कि भाई किसने ऑर्डर दिया था, कहाँ से ऑर्डर आया था और किस किस को उसने सप्लाई किया है। इस बारे में ठेकेदार के ऊपर एफआईआर वगैरह हुई है? यस, हुई है। और यहाँ पर जो हर घर में ये काम चल रहा था उस घर से कुछ पंचनामा वगैरह भी हाँ किया है ना, पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है पंचनामे और घर घर के जहाँ पे भी जितना भी हमको मालूम पड़ा है, हम उनके घर वालों से भी बात किए हैं कि ऐसा चल रहा है। और उसके अलावा एफडीए डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, उन्होंने भी अपनी एफडीए डिपार्टमेंट को भी पूरा महाराष्ट्र में जो बम्बई रीजन है उनमें बताया है कि ऐसी इलीगल किट यहाँ पे बनी है, कोई भी उसको परचेज ना करे। इवन हमने भी अपना उल्लासनगर एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन को कल बुला के पत्र भी दिया है कि अगर उनके जानकारी में भी ऐसी चीज़ें कहाँ पे इसमें सप्लाई हुई है तो वो भी हमको इन्फॉर्म करें, जैसा हम ट्रैक डाउन करें और ये जो अनऑथराइज काम है उसको बंद किया जाए। इसके अलावा और कहाँ पर उल्हासनगर में ऐसी कुछ नहीं, ऐसी कोई हमको कोई बात नहीं, हमको नहीं, हमको ऐसा कुछ उसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है। परंतु हमारे ऑफिसर्स को, वार्ड ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन है कि थोड़ा इंडस्ट्रियल जोन में इसे विजिट करते रहिए, ऐसा कोई अनवांटेड चीज़ या ऐसा कोई कहाँ पर इलीगली मैन्युफैक्चर है रिलेटेड टू हेल्थ तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आज यहाँ पर एफडीआई की टीम आई है तो वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स के किस चीज़ों की वहाँ पर चेकिंग चल रही है? उसके एफडीए के लोग कल भी थे, आज भी हैं, उनके ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं कि भाई उसको ऑर्डर कहाँ से है, उसका गवर्नमेंट अप्रूवल है कि नहीं है, या इसके अलावा और कोई चीज़ भी वो बनाता था क्या। तो ये सब एफडीए के लोग बेचारे हैं हमारे साथ, बेचारे इतने मगर हमारे साथ ही डिपार्टमेंट के लोग हैं और पुलिस का भी हमारे को बहुत अच्छा कोऑपरेशन दे रहे हैं। और कौन है ठेकेदार इसके पीछे, क्या नाम क्या है? भैया उसके बारे में मेरे को नाम का जानकारी नहीं है। सर कुछ कोरोना जो टेस्ट करते हैं वो किट का कुछ यहाँ पर कालाबाजारी चल रहा था, क्या है ये पूरा मामला सर? ये कोरोना के लिए जो स्वैप टेस्ट किट बनाए जाते हैं वो डुप्लीकेट तौर पर यहाँ पे बनाए जा रहे थे, ऐसी एक वीडियो वायरल हुआ था तो उसके बेसिस पे कुछ प्राइमरी छानबीन की गई। उसके हिसाब से एक एफडीआई के इंस्पेक्टर की कंप्लेंट पे एक एफआईआर रजिस्टर किया गया है और उसका इन्वेस्टिगेशन उल्लासनगर पुलिस कर रही है। सर अब तक क्या हटने आया है आपके? अभी जो एक्यूज्ड है वो फरार है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। वो अरेस्ट करने के बाद इंट्रोगेशन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार की धाराएं आईपीसी 269, 270, 420, 336, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट और अन्य कुछ धाराएं लगाएगी। और किस प्रकार की जांच चल रही है, वहाँ पर कुछ पंचनामा वगैरह भी हो रहा है? हाँ सर्च चल रहा है, एक्यूज्ड का जो फैक्ट्री है वगैरह और भी जो ठिकान होंगे वहाँ पे हम सर्च करेंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।